तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 31 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसे हमने कहा है 150 डेज हार्ड चैलेंज, राइट। और ये एक ऐसा चैलेंज है जो नए लर्नर है, मैं बार बार डेली आपको बोर कर रहा हूँ हर एक सेशन में कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें हम यूपीएससी के पीवाईक्यू डिफरेंट एग्जाम्स के, ठीक है, जिसमें आपके सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट एग्जाम्स के जो हाई क्वालिटी पीवाईक्यू है, जो मुझे लगता है कि रिपीट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, जैसा कि होता भी है। हर साल लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, राइट। तो ये उन चीजों पे सीरीज है। सीधा आज के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए, सीडीएस के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सीडीएस 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये उस चीज के यहाँ पे लिए गए हैं। और देखिए, कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा होता है, सीडीएस में इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। ऐसे ही सिस्टम से रिलेटेड या फिर टर्म से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 2022 में उन्होंने, आपको याद होगा, पूछ लिया था कि एक राइट उन्होंने फनिक फनिक ठीक है, आई थिंक फनक या फनिक पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कॉइन सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। दस्तक वगैरह से उन्होंने ऊपर हमने पिछले दिन क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसी ददानी सिस्टम क्या चीज है। तो इस चीज से रिलेटेड अब अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए, पॉज कीजिए और फिर खुद इसे मार्क करने की कोशिश कीजिए। नाउ यहाँ से हम थोड़ी रिसर्च जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ददानी सिस्टम पे जब मैंने इस पे रिसर्च किया, तो भैया इस पे इतनी ज्यादा अपन को इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई कि ददानी सिस्टम एक्चुअली ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इंडिया में स्पेसिफिकली ददानी मर्चेंट्स बनाए गए, दादनी मर्चेंट्स, ठीक है। ये एक तरीके के इंटरमीडिएरी हुआ करते थे, ठीक है, दलाल या फिर ठीक है इस टाइप के जो मर्चेंट्स हुआ करते थे। इनका काम क्या था कि भैया अर्ली, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक बात और जानो कि 1800 लगभग लगभग 1800 ईस्वी से पहले, स्पेशली आफ्टर 1813 ही ईस्ट इंडिया कंपनी यूके से इंडिया की तरफ इंपोर्ट करने लगी, समझ रहे हो। मतलब यूके लगभग 1800 के बाद ही एक्सपोर्ट करने लगा इंडिया को, उससे पहले इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ फैक्टर, मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया ट्रेड बिफोर 1800। आफ्टर दैट इंडिया का ट्रेड गॉट डिस्ट्रॉयड, समझ रहे हो। तो ट्रेड इंबैलेंस उसके बाद हुआ, उससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट इसी चीज से मिलता था कि इंडिया से जो कपड़े वो वेस्ट में बेचेंगे, इंडिया से जो मसाले वेस्ट में बेचेंगे, सो एक्सपोर्ट ये ज्यादा करवाती थी। तो उस टाइम पे ददानी मर्चेंट जो थे, ये एक ऐसे इंटरमीडियरी थे जो कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, गुड्स परचेज करके, स्पेशली आपके, ठीक है, जो गुड्स हैं उन्हें परचेज करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करते थे। इनको इसके बदले में एक कमीशन मिलता था, और ये ददानी जो आपके मर्चेंट्स हैं, यही मर्चेंट्स एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स को उस कमीशन, अपना कमीशन काट करके ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला पैसा इनको दे देते थे। दिस वाज द ददानी सिस्टम। फिर देखो 1753 के आसपास इसे एबोलिश कर दिया गया, और एक नया जो है इन्होंने सिस्टम लाया, ठीक है, उसे गोमो था या फिर ठीक है कुथी सिस्टम इसे कहा गया। तो फ्यूचर में अगर गोमोथा या फिर कुथी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि गोमोथा क्या था, पाइकर क्या था, दलाल क्या था, कुथी क्या था, समझ रहे हो। तो दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू राइट, दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू पेमेंट्स टू द मर्चेंट्स। तो ये पेमेंट टू द ऑफिशियल, पेमेंट टू द मर्चेंट से रिलेटेड है आपका ददानी सिस्टम। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन से रिलेट करता है आपका रिसाला सिस्टम। ये रिसाला सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये थोड़ी आप भी रिसर्च कीजिए, ठीक है, थोड़ा दिमाग घुमाइए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा रिसाला सिस्टम के लिए, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, किस चीज से रिलेटेड था, ये भी आप मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे कुछ एक सिस्टम के नाम, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे सिस्टम चलते थे, उन सिस्टम्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखना है ये किमियाती सिस्टम जो है, ये बिहार और उड़ीसा के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो वहां पे जो एग्रीकल्चरल स्लेव हुआ करते थे वो किमिया या फिर ये जो कामिया क्लास थी, कामिया कामिया, ठीक है, तो कामिया से याद रख लेना कि ये काम करवाते थे इनसे, तो ये स्लेव क्लास हुआ करते थे उस टाइम के। तो राइट, तो जो इनके ओनर हुआ करते थे, इनको पूरी लाइफ टाइम ये जो है सर्व किया करते थे इन एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ऑन लोन। तो लोन की वजह से ये स्लेव सिस्टम वहां पे आपके बिहार के एरिया में ज्यादा कमियाती सिस्टम वो इंट्रोड्यूस हुआ। देन जो तीन कथिया प्रथा है, तीन कथिया मतलब 3/20, समझ रहे हो, तीन कथिया। तो ये अगेन चंपारण बिहार, जो आपने चंपारण आंदोलन सुना होगा, ठीक है, गांधी जी ने जिसमें अपना रोल प्ले किया, ये आंदोलन इसी चीज से रिलेटेड था कि भैया ये मैंडेटरी कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जो भी वहां के फार्मर्स हैं उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में मैंडेटरली
इंडिगो की कल्टीवेशन करनी पड़ती थी। इसे तिनकथिया सिस्टम कहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि कुनत कथी सिस्टम जो है फेमस था, कुनत कथी सिस्टम फेमस था, ये किस चीज से रिलेटेड है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, समझ रहे हो। और जिस चीज से ये रिलेटेड है उस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड देन हाली सिस्टम बेसिकली ये गुजरात के एरिया में था, ठीक है। अगेन लैंड ओनर का सिस्टम है, कम से कम इतना याद रखना, लैंड ओनर का सिस्टम है कि भैया जो हाली लैंड, बेसिकली जो लैंड में काम करने वाले थे, ये इन्होंने गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, हाली लैंड में काम करने वाले होते थे, ये लैंड ओनर्स को अपना प्रोटेक्टर मानते थे। देन गर्मिटिया सिस्टम, ये भी बहुत फेमस रहता है, ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ द रीजन की जो आपके, ठीक है, जो प्रवासी भारतीय है, और आजकल प्रवासी भारतीय दिवस पे तो जो कि हर 2 साल के बाद मनाया भी जाता है, उस पे बहुत एम्फेसिस हो भी रहा है, ठीक है। तो अभी आई थिंक आने वाला ही होगा या फिर अगले साल आएगा। तो गिरमिटिया मजदूर जो है, गिरमिटिया सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एक्चुअली ये 19th सेंचुरी में इंडियन जो वर्कर्स थे, इन्हें एक एग्रीमेंट के थ्रू, एग्रीमेंट जिन्हें इंडियन लोगों ने गिरमिट कह दिया, एग्रीमेंट को गिरमिट कह दिया, तो ये एक अपभ्रंश होकर के गिरमिटिया सिस्टम, गिरमिटिया मजदूर ये बन गए। तो ये इन्हें फॉरेन लैंड पे अब्रॉड में ले जाया जाता था। अब देखो यूपीएससी किस तरीके से रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछती है। देखो गुरु 2022 में ये न्यूज में थी, कनागना हल्ली साइट, ये देखिए बुद्धिस्ट साइट, ठीक है, 2022 का ये न्यूज आर्टिकल है, और इन्होंने 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। इस बात पे बिल्कुल डाउट मत करना कि कनागना हल्ली कहीं पे किसी ऑप्शन में 2023-2024 के प्री में अपियर ना हो, समझ रहे हो, कोई डाउट मत करना, समझ रहे हो। सो इन क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, और मैं आपको सोर्स बताता हूँ कि यूपीएससी कहाँ से इन चीजों को एक जगह से पिक करती है, कि ये क्या भीमा रिवर के आसपास सिचुएटेड है, क्या ये 1st सेंचुरी और 3rd सेंचुरी CE के आसपास की डेटेड है, और एम्परर अशोकाज इमेज हैज बीन फाउंड एट द साइट, समझ रहे हो। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इस पे मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन ओ माय गॉड, ये वो जो आर्टिकल था, ठीक है, वो इसमें ऐड होना, ओ गलती से वो मैंने नीचे इसमें ऐड कर दिया, सॉरी उसके लिए। तो देखिए इस एक आर्टिकल से इन्होंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन उठाई हुई है। देखिए ये कनागना हल्ली आपके कर्नाटक में पाया जा रहा है, भीमा रिवर के आसपास ये पाई जाती है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे ओनली एंड ओनली स्कल्पचर मिलता है आपके एम्परर अशोका का, ठीक है, लाइमस्टोन रिलीफ पे ये बना हुआ है, ठीक है, और इसीलिए माना भी जाता है कि संभवतः अशोक की डेथ यहाँ पे हुई थी, समझ रहे हो, अशोक की डेथ संभव है कि यहाँ पे रही होगी। आप मुझे बताएंगे कि कर्नाटक में ही वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाकर के बाद में आपके जो, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे जैनिज्म को अपनाया, और उसके बाद समझ रहे हो वहां एक बहुत फेमस मेला भी होता है, उसका आपने नाम बताना है, एक बहुत फेमस मूर्ति भी है, ये चीजें आपने मुझे बतानी है, और फिर वहीं पे उसकी डेथ भी हो गई थी। इस चीज से रिलेटेड ये चीजें आप मुझे बताएंगे। एंड अगेन ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये वाली चीज, राइट, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। आई बिलीव कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर आप में से कोई हिस्ट्री का एक्सपर्ट है, प्लीज एनलाइटन मी ऑल्सो, कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए, क्योंकि ठीक है ये लॉजिकल है। और कई, देखो जब आप विकिपीडिया पढ़ोगे तो इसमें 1st और 3rd सेंचुरी CE का रेफरेंस दिया गया है कि भैया ये इस डेट की लगभग बनी हुई है, लेकिन भैया अगर आप लॉजिक से सोचोगे, और मैंने एक दो जगह और, ठीक है, इस पे इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, तो ये अशोका के टाइम की साइट है, समझ रहे हो। द रिमेन्स ऑफ द कनागना हल्ली स्तूपा कैन बी फाउंड इन 1st और 3rd सेंचुरी CE, नो, बिकॉज डेफिनेटली देखो इसमें सातवाहनों का रोल रहा है इस स्तूपा में, ठीक है, सातवाहनों का रोल रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, बिफोर इवन बिफोर सातवाहना, अशोका का भी इसमें, इसको बिल्ड करने में अपना रोल रहा है। तो ये लॉजिकली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट लगती है, राइट, क्योंकि अशोक की डेथ अगर यहाँ पे हुई है, डेफिनेटली उसने यहाँ पे अपना, ठीक है, ये जो स्तूप है यहाँ पे बनाया, कनागना हल्ली का स्तूप, ये डेफिनेटली अशोक ने अपने टाइम पे बनाया होगा, जो अर्लिएस्ट रिमेन्स इसके पाए जाते होंगे। तो लुकिंग एट, ठीक है, दिस ऑप्शन, ये आई बिलीव कि आंसर शुड बी 1 और 3, एलिमिनेशन इस तरीके से वर्क होता है, ऑल थ्री इज नॉट द आंसर, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे इसका ऑल थ्री आंसर पाया जाता है, ठीक है, बताया जा रहा है। अगर किसी को वो इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये चीज कहीं पढ़ी थी पहले, अब मुझे वो आर्टिकल सर्च करके नहीं मिला, समझ रहे हो, अर्लिएस्ट एक्सकेवेशन वाला, आई थिंक ये इंडियन एक्सप्रेस में ही कहीं पे पाया जा रहा था, किसी को मिल जाए तो वो जरूर उसको पिन नीचे कर दे। आप मुझे बताएंगे कि खिजादी या फिर किलादी नाम की एक जो साइट है, ये न्यूज में थी, ये किस चीज से रिलेटेड और कहां से रिलेटेड है, राइट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वॉल्केनोज के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय द वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स। डेफिनेटली ये तो आपको देखिए नाम से ही पता चलता है कि हाँ कोई ऐसी चीज है जो कि एक्सप्लोजन की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। देन आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब देखो ये जो फिलीपींस है ये आपके मान लीजिए ये पैसिफिक ओशन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे आपका फिलीपींस पाया जाता है चाइना के बिल्कुल ठीक है ईस्ट में। अब ये आपकी फेमस ही है ठीक है एज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, समझ रहे हो। यहाँ पे वॉल्केनो ही है, जितनी भी चीजें यहाँ मिल रही है ये वॉल्केनिक है नॉर्मली, तो फिलीपींस तो है ही है। आइसलैंड में भी आपको बहुत सारी ठीक है बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे ठीक है। अगेन आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स, इनके बहुत ऑड नेम है जो आइसलैंड में आपको वॉल्केनोज मिलेंगे। रिसेंटली भी 2-3 इरप्शन आइसलैंड के वॉल्केनो में हुए थे ठीक है, आइसलैंड में ही। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। देन वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच डीप एंड फर्टाइल एंड अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें आपके पोटेशियम फॉस्फोरस एक्सेट्रा इस तरीके के जो मिनरल्स है ये वॉल्केनिक सॉइल में बहुत ज्यादा मिलते हैं ठीक है। ये बहुत फर्टाइल होती है, रिच होती है राइट। एंड इसमें मिनरल रिच ये रहती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप्स है ये भी काफी रिच सॉइल है ठीक है, और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेफिनेटली होती है राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट। तो ये आपके इस पे रिसर्च हुई है थोड़ी। आप मुझे बताएंगे कि डेक्कन ट्रैप्स में जो हमारी काली मिट्टी है वो काली क्यों है, कौन सा उसमें एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जा रहा है जिसकी वजह से वो काली है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इस चीज पे, ये जो क्वेश्चन है क्लाउड टाइप्स पे है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। फर्स्ट ही पहली ही स्टेटमेंट से आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे कि दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, सीधा एकदम से ऊपर जब आपकी भाप उठ रही हो, सीधे उठ रही हो, समझ रहे हो, दिस इज योर कन्वेक्शन। तो उठ करके ये बहुत ऊंचे ऊंचे बादल बना देते हैं एकदम से अगर कन्वेक्शन ऊपर लगे तो। नॉर्मली आपका जो प्री मॉनसून शावर होते हैं इंडिया में, प्री मॉनसूनल रेन, तो ये कन्वेक्शनल रेन रहते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो उस टाइम पे आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल इंडिया में प्री मॉनसून रेन के टाइम पे बहुत होते हैं राइट। सो कन्वेक्शन से जो आपके क्लाउड्स बनते हैं दे आर बेसिकली योर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स राइट। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ये काफी ऊंचे होते हैं, बूट शेप्ड ये इस तरीके के क्लाउड्स रहते हैं और ये बारिश बहुत ज्यादा झमाझम करवाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल स्टॉर्म्स ऑल्सो और डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, प्री मॉनसूनल क्रॉप्स ऑल्सो ठीक है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आपको प्री मॉनसूनल रेनफॉल आपको इसकी वजह से ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड ओनली क्लाउड टाइप दैट कैन प्रोड्यूस हेल थंडर, समझ रहे हो। एंड देन दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड टावर्स एंड एनविल ड्रॉप्स, समझ रहे हो। सो ऑल द थिंग्स दे हैव बीन मेंशनड हियर। स्ट्रेटो क्यूमुलस क्या होता है, देखो इस चीज को तोड़ो, स्ट्रेटो मतलब लेयर लेयर लेयर, क्यूमुलस मतलब कपास की तरह। तो कपास की तरह लेयर लेयर में जो आपके मिल रहे हैं क्लाउड ये थोड़े हाई क्लाउड रहते हैं ठीक है, स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो ये इस तरीके के क्लाउड रहते हैं ठीक है, पैचेज में ये आपको मिलेंगे। सिर्रो क्यूमुलस ठीक है, ये जो आपके सिर्रो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं ये अगेन क्यूमुलस मतलब कपास की तरह ही मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ऊंचाई में होते हैं, समझ रहे हो। जो सिर्रस क्लाउड्स हैं ये सबसे ज्यादा ऊंचे क्लाउड्स होते हैं ठीक है, ये पक्षाभ मेघ इन्हें कहते हैं सिर्रस क्लाउड्स। तो पक्षाभ भी हैं साथ में, मतलब पंछी के ये पंखों की तरह भी ये दिख रहे हैं और साथ में ये कपासी भी दिख रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली योर सिर्रो क्यूमुलस। बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं, बहुत कम ये रेनफॉल करते हैं, बहुत थिन ये क्लाउड होते हैं और मेनली आप पाएंगे कि ये क्लाउड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है, समझ रहे हो, क्योंकि ये लाइट को अंदर आने तो देते हैं ये वाले क्लाउड, हाई क्लाउड्स, लेकिन जब धरती से बाहर जो रेडिएशन है, जब अर्थ ने रेडिएशन वापस भेजनी होती है स्पेस में, उस रेडिएशन को ये रोक देते हैं ऊपर, समझ रहे हो। दिस इज व्हाई सिर्रो क्यूमुलस क्लाउड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली योर ठीक है योर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। निम्बो स्ट्रेटस अगेन, निम्बो निम्बो जहां आएगा मतलब बारिश वाले मेघ है और बहुत नीचे वाले मेघ है, निम्बो 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 मतलब बारिश, ऐसे समझ लो। आप मुझे बताएंगे कि क्लाउड थिनिंग जो है ये टेक्निक किस चीज के लिए की जाती है, समझ रहे हो, क्या ये रेनफॉल करवाने के लिए की जा रही है या फिर क्या ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करवाने के लिए की जा रही है, क्या ये लो क्लाउड्स को थिन करवाने की टेक्निक है या हाई क्लाउड को थिन करवाने की टेक्निक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बच्चों का क्वेश्चन है, फाइनल में मैं ठीक है एक तरीके से राइट
ये एक तरीके से बूस्टर है आपके लिए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछ सकता है अपने सीडीएस टाइप के एग्जाम में, सीएपीएफ टाइप के एग्जाम में। लेकिन अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इन सेशंस को दोस्तों, जरूर बताइए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिए, बेहतर बनाना है बेहतर बनाइए। कोई दिक्कत आ रही है मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये आपको, हाँ ये आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो पार्टिसिपेट करते रहिए, मिलते रहेंगे, ठीक है? और प्यार मोहब्बत से तैयारी करते रहिए, यही है जो जिंदगी है, नहीं तो पता नहीं है किसने कब जाना है, और नहीं तो पता नहीं है कि कौन कब मिले कब ना मिले। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।